मैं हूं आपके साथ रणवीर सूद। बिग बॉस सीजन 12 में आए दिन हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते ही रहते हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में फिनाले में पहुंचने के लिए कई टास्क हुए। इन टास्क के दौरान सुरभि राणा टिकट टू फिनाले के जरिए बिग बॉस 12 के फिनाले में पहुंचने के लिए कामयाब हुई और बाकी सभी कंटेस्टेंट सीधा सीधा नॉमिनेट हो गए। वहीं हर कोई जानने के लिए बेताब हो रखा है आखिर इस बार कौन होगा घर से बेघर। तो आपको बता दें, इस बार जो कंटेस्टेंट घर से बेघर होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि जयपुर की सोमी खान है। जी हाँ, द खबरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। वैसे देखा जाए तो सोमी शुरुआती दिनों में काफी अच्छा खेल रही थी। हर किसी को उनका बेबाकी से बोलना और अपने लिए स्टैंड लेना काफी पसंद आता था, लेकिन धीरे धीरे सोमी घर के अंदर कहीं खोकर रह गई थी। घर के लोगों का ऐसा मानना है कि सोमी, रोमिल, दीपक, सुरभि के सहारे ही यहां तक पहुंची हैं। वेल, अगर अब करंट ट्रैक की बात की जाए तो वीकेंड के बाद पर सलमान कंटेस्टेंट्स को एक टास्क देते हैं जिसमें 1 से लेकर 7 तक कंटेस्टेंट को नंबर देने के लिए कहेंगे। इस दौरान दीपक ठाकुर को पहला रैंक मिलेगा, दूसरे नंबर पर सुरभि राणा, तीसरे नंबर पर रोमिल, चौथे नंबर पर सोमी, पांचवें नंबर पर करणवीर, छठे और सातवें नंबर पर श्रीसंत और दीपिका होंगे। जिसके बाद सलमान खान घर वालों की इस रैंकिंग से काफी नाराज होंगे और खुद ही रैंकिंग करने लगेंगे। वो श्रीसंत को पहला पोजीशन देंगे और दूसरे पोजीशन में टीवी एक्ट्रेस दीपिका को खड़ा करेंगे। वैसे आप सोमी खान के जाने से खुश हैं या नाराज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।